नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। नवरात्रि शुरू होते ही सजने लगा मां ब्रह्माणी का दरबार। चैत नवरात्रि का साल का सबसे बड़े मेले का आयोजन। मंदिर पर हजारों की संख्या में चढ़ाए जाते हैं झंडे। ऐसा अनुमान है कि देश में सबसे ज्यादा झंडे मां ब्रह्माणी देवी के मंदिर पर ही चढ़ाए जाते हैं। नवरात्र पर सुदूरवर्ती बिहड़ी क्षेत्र में स्थित ब्रह्माणी मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर प्रांगण में 9 दिन मेला लगता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले दिन ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लग रही है लंबी कतार। मान्यता है कि मंदिर में झंडा चढ़ाने से मुराद पूरी होती है। इस कारण बड़ी संख्या में भक्त झंडा लेकर माता रानी के दरबार में आते हैं। और जैसा कि आप इसी व्यवस्था में लेकर आज हम मंदिर पुजारी जी से हम बात करें और जाने क्या है माता रानी की क्या क्या इतिहास है और क्या यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जो प्रणाली है मंदिर पुजारी प्रेम कुमार जी से बात करें। पुजारी जी, यहाँ पर जो मंदिर की विशेषता है, इतिहास है माता रानी का और जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुंदर है। माना पुलिस प्रशासन से बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे और जब से भाई द्विवेदी जी आए हो तो बहुत ही सजग रह रही है। यूँ का उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यहाँ तक मंदिर का देवी का प्रश्न है, मंदिर बहुत पुराना है। देवी का प्रश्न है तो देवी स्वयं प्रकटीकरण है, इनकी विशेष महत्व है और यहाँ लगभग भाई तुम्हारी पूजा अर्चना में कोई विधि में कमी रहे नहीं जानते, लगभग लोगों की कामनाएं पूरी होती है। इसीलिए मेरा दिनों दिन डेवलप करता चला जा रहा है और हम तो समझते थोड़ा जगह का अभाव पड़ रहा है, वो भी देखो समय आने पर वो भी कमी दूर हो जाएगी और शक्ति है। और जहाँ तक यात्रियों का सवाल है, जो साष्टांग दंडवत करके आते हैं, हमें तो ऐसा लगता है वो बहुत कुछ जानते हैं। पूजा की यही विधि है, साष्टांग पूर्ण समर्पण ही करना चाहिए, तभी देवी देवता, ऐसा वेदों में लिखित भी है कि साष्टांग प्रणाम का मतलब है पूर्ण सरेंडर, पूर्ण समर्पण, पूरी तरीके से समर्पण होना, ये उनका आदेश है। कृष्ण की गीता में भी यही कहा है, पूर्ण समर्पण करिए, फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहिए, दंडवत करना है, पूर्ण समर्पण है। और देवी सबसे ज्येष्ठ है, सबसे नौ दुर्गों में, नौ देवियों में सबसे पहले माँ ब्रह्माणी का ही प्रादुर्भाव हुआ है, इनका विशेष महत्व है। यहाँ तक है आवास भी हुआ है कि जिन लोगों से कुछ कह दिया है वो भी काम पूरे ही होते हैं। तो हम और अब आप बताएं क्या जानते हैं। जिस तरीके से यहाँ देखा जाए तो मंदिर पर झंडा चढ़ाने की प्रचलित है, झंडा चढ़ाना प्रचलित है, तो लगभग कितना झंडा यहाँ पर मेले के दौरान चढ़ जाता है? वो सबसे बड़ा मेला बताया जाता है। हाँ, साल में 3 मेले लगते हैं, 2 नवग्रहों में, 1 गुरु पूर्णिमा साल में। तो ये कुदरती है कि जनता कब पसंद भक्त करता है, तो इस वक्त वर्तमान में चैत्र की नवग्रह सबसे ज्यादा भीड़ होती है और सबसे बड़ा मेला यही है। लगभग झंडों का कितना? लगभग 1000 झंडे आते इस मेले में और उन दो मेलों में कम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जिस तरीके से हमने देखा है तो मेले की व्यवस्था बढ़िया है और प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मोहन सिंह राजपूत, रिपोर्ट MSS न्यूज, जसवंत नगर टावर। यहाँ पर आप दर्शन करने माता रानी के आए हैं तो माता रानी क्या कर पाए? माता रानी के दर्शन के लिए हम हर साल आते हैं यहाँ और हमें यहाँ बहुत सारी उम्मीदों की श्रद्धा के साथ हमें आते हैं। माता रानी की बहुत कृपा है, हमें यहाँ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है, यहाँ बहुत लाखों की संख्या में भीड़ आती है। आपने देखा होगा कि अभी जो लाइन लगी हुई है, आज पहला ही दिन है, तो इसी तरीके से लाइन 9 दिन लगी रहती है? आज तो लाइन में पहला दिन है, यहाँ भीड़ की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आप यहाँ से स्थानीय निवासी हो तो लगभग झंडों के बारे में आपको पता होगा, कितने झंडे छेड़ते हैं यहाँ? कम से कम 1 लाख के लमसम झंडे यहाँ पर बताया जाता है।
पूरे देश से ज़्यादा, सब देवियों से ज़्यादा इसी इन्हीं ब्रह्माणी माता पर झंडे चढ़ाने का प्रचलन ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर बहुत पहले की बात है, यहाँ पर राजा जी निकल रहे थे तो देवी ही यहीं पर प्रकट हो गई, तब ये मंदिर बनवाया भदावर ने, इसलिए तब से यहाँ पर बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग यहाँ।